बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये एक जश्न ईद मिलादुन्नबी की CDR फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही ये खूबसूरत डिज़ाइन है और इसके साथ ये बहुत अच्छी कैलीग्राफी में असलात वसलाम लेका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है और या अल्लाह या रसूल अल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ है। बलगल ओला पे कमाल ही इस साइड पे है और नीचे यहाँ पे तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक की आमद मुबारक हो। और नीचे ये एक अहम ऐलान लिखा हुआ है और ये नीचे यहाँ पे मैंने अपने चैनल का लिंक लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह और मिन जानब वगैरह आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो हर रोज़ की तरह क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहां से अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप जैसे ही आप करेंगे तो आप ये देखिए, ये सब चीज़ जो है ये अलग अलग है। ये या अल्लाह या रसूल अल्लाह मैंने एक डिज़ाइन में लिखा हुआ है, आप इसको भी अनग्रुप करेंगे जब, तो आप इसके अंदर इनका भी कलर तब्दील कर सकते हैं। आपको जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर में ये लिख सकते हैं। और ये जो बाहर डिज़ाइन दिया हुआ है इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। इसको आप तो सबसे पहले अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करके जैसे ही यहाँ से आप इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे तो ये देखिए, ये बहुत सारा ये सब डिज़ाइन इसके ऊपर आया हुआ है। आप इसको क्या करेंगे, आप इनके ऊपर आप अपना डिज़ाइन लगा सकते हैं। इसको क्लिक करके आप इनमें कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए, कोई सा भी कलर आप इसमें डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप कलर इसका तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो भी मटेरियल है आप इनमें भी कलर तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी तरह इसको भी मैंने चूँकि ग्रीन किया हुआ है, आप कोई सा भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। और इसी तरह से नीचे ये बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा खूबसूरत बैकग्राउंड बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ से मैं बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बैकग्राउंड दिया हुआ है और इनमें जो ये पावर क्लिप को आप अगर एडिट करेंगे तो इनमें जो भी डाटा है ये भी अलग अलग है। ये देखिए, ये एक मस्जिद का डिज़ाइन है, ऊपर ये सर्कल्स वगैरह डिज़ाइन दिए हुए हैं और ये स्टार वगैरह हैं, ये भी आप अलग अलग करके किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ से हम फिनिश करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी दिए हुए हैं, फूल वगैरह दिए हुए हैं, फूल की पत्तियाँ, इनको भी आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है दोस्तों। आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पासवर्ड मिल सके, वीडियो के अंदर ही पासवर्ड होगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पासवर्ड मिलेगा। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि हमारी फ़ाइल अपनी असली हालत में आ जाए। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इसके ऊपर CDR फाइल पहले से भी अपलोडेड हैं और मैं तकरीबन हर रोज़ एक CDR फाइल अपलोड करता रहता हूं। आपको किसी और किसी भी किस्म की CDR फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो CDR फाइल बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के डिज़ाइन में हमने आपको ये महफ़िल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिज़ाइन दिया है। आज की वीडियो में ये डिज़ाइन हमने आपको दिया है और आपको ये इसका भी कलर आप तब्दील कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर इंटरेक्टिव फिल टूल से कलर फिल किया हुआ है। ये देखिए, ये तीन कलर मैंने इसमें फिल किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसका डिज़ाइन वगैरह तब्दील कर सकते हैं, प्लास्टिक इफ़ेक्ट देना चाहें या कोई और इफ़ेक्ट इसमें देना चाहें आप इसमें दे सकते हैं। मैं यहां से इसका अगर कलर तब्दील करता हूं तो ये देखिए, ये इस कलर में आ गया है। ग्रीन करते हैं तो ये ग्रीन आ गया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत मेरे पास ये डिज़ाइन है। अगर आपको ये चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँगा। ये इंटरेक्टिव फिल टूल के जो इसके अंदर फिल्स होते हैं ये वो हैं। ये देखिए, कोई सा भी डिज़ाइन आप इसमें बना के अपने डिज़ाइन में कोई सा भी डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये टू कलर में है,
ये देखिए, मैंने पहले ये वाला अप्लाई किया हुआ था, इसको आप यहाँ से तब्दील करेंगे तो ये देखिए, ये तीन कलर में अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे शेयर किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और CDR फाइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।